के साथ खबरें बेबाक। हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। जहां बहती है भक्ति की सरसधारा, जहां नदियां होती हैं माँ, जहां पहाड़ों में भी अंश ईश्वर का, जहां अध्यात्म की नींव है गहरी, जहां आस्था का बहता है सैलाब, जहां मन करता है भक्ति साधना का, कुछ ऐसी होती है हमारी आराधना। कीजिए आराधना बुधवार और वीरवार सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। फिर आपका फेवरेट शो स्वाद हरियाणा का। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हर सप्ताह हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के एक नए शहर में और आपको चखाते हैं वहाँ का स्वाद। इस सप्ताह हम आप पहुँचे हैं फरीदाबाद, जहाँ पर हम चखेंगे हरियाणा का स्वाद। अगर बात की जाए फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद अपने उद्योगों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पर रह रहे लोगों का मानना है कि बाबा फरीद के नाम पर ही फरीदाबाद का नाम रखा गया था। और यहाँ पर कई पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर आप आकर अपना पिकनिक टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर जाएंगे और जायजा करेंगे फरीदाबाद का, देखेंगे यहाँ पर खाने पीने के लिए क्या कुछ चटपटा हमें मिलता है। कब फरीदाबाद। वैसे अगर आप फरीदाबाद में जब एंटर करेंगे तो आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट या ढाबा जो है वो आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अलग अलग स्वाद चख सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि गली में निकलते हैं जब स्ट्रीट फूड का मजा लेते हैं, उसका मजा और मस्ती कुछ और ही होती है। तो इसीलिए हम यहाँ आ पहुँचे हैं जहाँ पर पूड़ी और सब्जी मैंने सुना है बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैंने सोचा क्यों ना शो की शुरुआत कर दी जाए इसी के साथ, जो कि बहुत पुरानी दुकान है और काफ़ी लोग यहाँ की जो पूड़ी सब्जी है वो खाना पसंद करते हैं। तो देखते हैं कि कैसा टेस्ट है यहाँ का। कब तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ की जो पूरी सब्जी है वो बहुत ही सालों से फेमस है, लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आना पसंद करते हैं, यहाँ की पूरी सब्जी जो है वो खाना पसंद करते हैं। ओनर हमारे साथ है, इनसे हम जानते हैं कि आखिर कितने सालों से इनकी दुकान चल रही है और यहाँ पर लोग कितना आना पसंद करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? कितने सालों से आपकी ये दुकान चल रही है? 20 साल से। लोग कितना पसंद कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, दिल्ली तक के लोग, गुड़गांव तक के लोग आते हैं। लेकिन बात की जाए ऑप्शंस की, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो क्या पूरी सब्जी जो है वो लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि 20 साल से आप इस दुकान को चला रहे हैं और लगातार जो लोग हैं वो इसे पसंद कर रहे हैं, तो क्या खास बात है?
क्वालिटी होती है अपनी, अच्छी चीज है। तो क्वालिटी क्या कुछ आप ऐसा डालते हैं, क्योंकि पूरी सब्जी तो आम हो चली है, काफी मैंने खाया भी है, टेस्ट भी लिया है, लेकिन आपकी सब्जी में क्या कुछ ऐसा खास है, पूरी में क्या कुछ खास है? ऐसा कुछ नहीं है, पूरी में दाल डालते हैं और सब्जी में हींग का तड़का होता है। मसाला कैसा यूज करते हैं? मसाला हुआ अपना घर पीसते हैं। अच्छा, प्राइस क्या रखा है आपने एक प्लेट का? 35 रुपए प्लेट है। 35 रुपए। ओके, चलिए, जैसा इन्होंने बताया कि 20 साल से इनकी दुकान चल रही है, लोग काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं, प्राइस भी काफी ज्यादा रीजनेबल है, 35 रुपीज है इन्होंने बताया, जिसमें चार पूरी जो है आपको मिलेगी और सब्जी भी साथ में मिलेगी। तो ये देखते हैं कि स्वाद आखिरकार कैसा है, क्योंकि मैं इसका स्वाद चखूंगी तभी मैं आप तक इसका स्वाद पहुंचाऊंगी। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर जो है वो टेस्ट ले रहे हैं खाने का, पूरी सब्जी का टेस्ट ले रहे हैं। पहले मैं देखना चाहूंगी कि लोग कितना इसे पसंद करते हैं, इनसे हम बात करेंगे। काफ़ी लोग ये खाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एक शख्स से हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि इन्हें कितना पसंद आया। आपको कितना पसंद आया? ओह माय गॉड, 10 साल से ये यहाँ पर आते हैं और यहाँ का जो ये टेस्टी पूरी और सब्जी है उसका टेस्ट लेते हैं। क्या खास बात लगी आपको इस पे? तो काफी अच्छी सर्विंग है यहाँ की, टेस्ट काफी अच्छा है, इसलिए यहाँ पर आते हैं। आप दूसरों को भी सजेस्ट करेंगे यहाँ पर आने के लिए? अच्छा, अगर बात की जाए इंटीरियर की, या फिर अगर बात की जाए इस टाइम पे रेस्टोरेंट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर इंटीरियर की बात की जाए तो इतना कुछ खास नहीं है, तो क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? खाना बढ़िया मिल जाता है और टाइम पे मिल जाता है। अच्छा, उससे बढ़िया क्या चाहिए, और ऊपर से प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है। रीजनेबल भी है। चलिए, आगे भी बहुत सारे ऐसे शख्स हैं जो पूरी सब्जी का टेस्ट ले रहे हैं, स्वाद चख रहे हैं। खैर, मैं भी आगे स्वाद चखूंगी कि स्वाद कैसा है, लेकिन इनसे जानते हैं कि वाकई क्या इन्हें भी ये जो पूरी सब्जी है वो पसंद आ रही है। चलिए, यहाँ पर कुछ शख्स हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइए, कैसा स्वाद लगा आपको? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा, टाइम पे मिलता है और इससे अच्छा क्या होगा। रोज आते हैं आप खाने के लिए? रोज तो नहीं, वीक में एक दो बार आ जाते हैं। अच्छा, स्पेशली आप ये खाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं? बहुत अच्छा लगता है। चलिए, एक लेडी भी यहाँ पर है, इनसे जानते हैं कि ये अपने घर का खाना छोड़कर यहाँ पहुँची है खाने के लिए, क्या कुछ खास बात है? जी बताइए। क्या आपके हाथों से भी ज्यादा अच्छा है? बिल्कुल अच्छा, बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत ना करनी पड़े इसलिए आप यहाँ पहुँची है। चलिए, तो लेडीज की बात ही अलग होती है, अगर मैं भी इनकी जगह होती मैं भी ये कहती कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े और मैं यहाँ इस शॉप पर आऊँ खाने के लिए। वेल, अगर टेस्ट की बात की जाए तो वाकई ये लोग जैसा कह रहे हैं कि काफी लंबे सालों से यहाँ पहुँच रहे हैं, इसका स्वाद चख रहे हैं, काफी अच्छा टेस्ट है, क्वालिटी अच्छी है, क्वान्टिटी अच्छी है, प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। तो क्या वाकई इसका टेस्ट ऐसा है जैसी तारीफ की जा रही है, ये तो मैं स्वाद चखने के बाद आप तक पहुँचाऊँगी। तो चलिए, वक्त चला है कि मैं इसका टेस्ट चखूँ और फिर मैं इसका स्वाद आप तक पहुँचाती हूँ। कब? तो चलिए, अब वक्त हो चला है कि मैं इसका टेस्ट चखूँ, इसका स्वाद मैं आप तक पहुँचाऊँ। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इस प्लेट में आप देख सकते हैं पूड़ियाँ हैं, वैसे जो 35 रुपीज़ की आपको ये प्लेट मिलेगी, जिसमें आपको चार पूड़ियाँ मिलेंगी और एक प्लेट जो है वो सब्जी की है, एक प्लेट में आपको ये अचार मिलेगा, उसके बाद एक ग्लास जो है वो लस्सी का आपको मिलेगा। तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस है और क्वान्टिटी भी काफ़ी अच्छी है। टेस्ट कैसा है वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। बेहतरीन टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है, जैसे कि मैंने तारीफ सुनी वैसे ही बिल्कुल काफ़ी अच्छी सब्जी है, पूरी की क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। अचार देखते हैं, कुछ अलग सा मुझे नज़र आ रहा है। नाइस, ये जो पीसेस आप देख रहे हैं ये मूली के पीसेस हैं, उसके बाद इसमें हरी मिर्च जो है उसे काट कर डाला गया है, इसमें जीरा है और जैसा कि उन्होंने बताया कि इसमें सिरका भी डाला गया है। काफ़ी अच्छा अचार का भी टेस्ट है। फैबुलस।
वाकई बहुत अच्छा टेस्ट है, जैसे मैंने तारीफ सुनी थी खाने के बाद मुझे टेस्ट वैसा ही लगा जैसी तारीफें जो लोग कर रहे थे। और जितने सालों से ये दुकान चल रही है, एक शख्स ने बताया कि वो 10 साल से यहाँ पहुँच रहे हैं, कोई 4 साल से यहाँ पहुँच रहा है इसे खाने के लिए, तो वाकई बहुत अच्छा टेस्ट है। मैं आपको भी ये सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको भी यहाँ का टेस्ट लेना है, फरीदाबाद अगर आप पहुँचते हैं तो आप यहाँ ज़रूर आए और इस पूरी सब्जी का स्वाद जो है ज़रूर चखें। चलिए दोस्तों, तो शो की शुरुआत में हमने पूरी सब्जी जो कि यहाँ की फेमस है उसका स्वाद तो हमने चखा, लेकिन अभी हमारे शो की शुरुआत हुई है, अभी हमें पूरा फरीदाबाद घूमना है और देखना है कि यहाँ पर हमें हरियाणा का स्वाद और कैसा मिलता है, क्या कुछ चटपटा खाने के लिए मिलता है। तो चलिए बढ़ते आगे, अपने सफर को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमें खाने के लिए मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, तो आलू की सब्जी और हमने पूरी का स्वाद चखा और अब हम आ पहुँचे हैं NIT 5 में जो फरीदाबाद में पड़ता है, और यहाँ पर अब मैं आ पहुँची हूँ स्टैंडर्ड पंजाबी खाना। बहुत ढूंढते ढूंढते मुझे ये मिला है जहाँ पर पंजाबी खाना मुझे कुछ तड़कता पड़कता मिल चुका है, अब इसका स्वाद मैं चखूँगी। लेकिन अगर चाट पर नज़र घुमाई जाए तो तंदूरी ग्रिल्ड में अगर बात की जाए तो काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, तवा आइटम्स में भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, चाइनीज़ आइटम्स में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, स्टैंडर्ड रोल्स में भी आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो पूरा चाट मैंने आपको दिखाया, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या कुछ खाने के लिए ऑफ़र किया जाता है, क्या कुछ चटपटा मुझे यहाँ पर खाने के लिए मिलता है, वो अंदर जाकर पता चलेगा जब हम ओनर से बात करेंगे, और प्राइस किसके क्या रखे हुए वो भी हम पता करेंगे। तो कम चलिए, अब मैं इसके अंदर आ चुकी हूँ, ओनर मेरे सामने, इनसे बात करते हैं कि हमें यहाँ पर क्या कुछ खाने के लिए ये ऑफर करते हैं। हेलो, आपका नाम? अनिल जी, क्या कुछ आपके यहाँ पर फेमस है, क्या कुछ खाने के लिए आप मुझे ऑफर करेंगे? हमारे खाने के लिए यहाँ पे सब कुछ बेहतरीन है, आप जो भी खाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा। खासकर हमारे दही भल्ले, छोले कुलचे, हमारे यहाँ स्पेशल थाली है जो आप खाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। कितने लंबे टाइम से चल रहा है आपका ये? हमें करीब 12 साल हो गए यहाँ। 12 साल हो गए और ऐसे ही रश मिलेगा आपको हर वक्त। क्वालिटी की बात की जाए तो कैसी क्वालिटी? तो आप खाएंगे तभी आपको पता लगेगा। हमारे यहाँ पे पानी में मिनरल वाटर यूज किया जाता है और खाने में राजधानी आटा सभी कुछ मतलब ब्रांडेड है। तो लोगों का फीडबैक कैसा मिलता है आपको? बहुत अच्छा जी, लोग खा के जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब ऐसा खाना हमें कहीं नहीं मिला, वो बार बार आते हैं हमारे यहाँ से। जैसे आपने क्राउड की बात की, तो जब मैंने फरीदाबाद में मैंने एंटर लिया तो काफ़ी रेस्टोरेंट्स और मुझे ढाबाज में मिले थे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी रश मुझे देखने के लिए मिल रहा है, क्या कुछ खास बात मानी जाए? ये टेस्ट की बात है, लोगों को यहाँ का टेस्ट बहुत बेहतरीन लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बार बार आते हैं हमारे यहाँ से, लोग दूर दूर से आते हैं, इवन पलवल, दिल्ली, नोएडा, गुड़गावा, यहाँ से खाते भी और पैक भी करा के भी जाते हैं। तो आप वेज और नॉन वेज दोनों रखते हैं? ओनली वेज। वेज रखते हैं, तो चलिए क्या ऑफर करेंगे, क्या कुछ आप मुझे खाने के लिए बोलेंगे? आप खाइए, थाली खाइए हमारी पहले। अच्छा, फेमस थाली है। कुल्फी खाइए, दही भल्ले खाइए। अच्छा, चलिए तो काफ़ी तारीफ मैंने सुन ली, अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि जो स्पेशल थाली है इनकी उसमें क्या कुछ मुझे मिलता है और कैसा स्वाद उसका होता है। तो फ्रेंड्स, अब ये थाली, स्पेशल थाली जो है यहाँ की, वो मेरे पास है। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि इस थाली में आपको क्या क्या मिलेगा अगर आप इस ढाबे में आते हैं। तो आपको एक प्लेट में ये चपाती मिलेगी जो काफ़ी अच्छे साइज़ की है, और आपको ये राइस मिलेगा, उसके बाद आपके पास दाल मखनी है, शाही पनीर है, सैलड है, और एक कटोरी जो है ये रायते से भरी हुई है। तो ये ओवरऑल जो है वो सेट आपको एक थाली जो है वो मिल सकती है जो आपकी भूख है वो पूरी मिटा सकती है। अगर आप इसे खाएंगे तो आपका पेट उल्टू भर जाएगा, लेकिन टेस्ट कैसा है वो मैं आपको बता चाहती हूँ। काफ़ी बढ़िया टेस्ट है, बहुत अच्छा बनाया गया है, रोटी भी बहुत सॉफ्ट है। दाल मखनी की बात की जाए, काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट मुझे नज़र आ रहा है और कलर भी काफ़ी अच्छा है, टेस्ट वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका, माइंड ब्लोइंग। अब वक्त हो गया शाही पनीर टेस्ट करने का।
बहुत अच्छा है, नाइस। और पनीर की पीस की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा पीस आपको इसमें मिलेगा। दिखाना चाहूँगी मैं आपको, ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा पीस जो है पनीर का, ये आपको शाही पनीर में यहाँ पर मिलेगा। बहुत अच्छा टेस्ट है, बेहतरीन टेस्ट है। अगर आप यहाँ आते हैं आप इसका टेस्ट ज़रूर करें। जैसा कि ओनर ने बताया कि इनके ढाबे में एक फेमस थाली जो है वो अवेलेबल है, काफ़ी अच्छे रीजनेबल प्राइस में आपको ये यहाँ पर मिल जाएगी, और जो आपका पूरा पेट जो है वो भर सकती है। क्वान्टिटी की अगर बात की जाए, क्वान्टिटी भी काफ़ी अच्छी है, आपको इतना इस थाली में मिल जाएगा जो कि आपका पेट भर सकता है। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने 3 बाइट रोटी की खाई है, 2 चम्मच मैंने राइस खाया है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मेरा पेट भरने वाला है। तो वाकई रीजनेबल प्राइस के साथ आपको एक अच्छी क्वांटिटी मिलती है, एक अच्छी क्वालिटी मिलती है, जो कि आज के डेट में बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ अगर आते हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर पहुँचें। NIT 5 जो फरीदाबाद में पड़ता है, आप यहाँ ज़रूर आएँ और कुछ खाएँ ना खाएँ, आप ये स्पेशल थाली ज़रूर खाएँ जिसका जायका ज़बरदस्त है। स्पेशल पंजाबी के खाने के साथ साथ आप यहाँ पर कुल्फी भी ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मौसम काफ़ी अच्छा है, इस अच्छे मौसम में आप इस कुल्फी को भी ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है, बेहतरीन टेस्ट है। इसमें इलायची, पिस्ता, बादाम, सभी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी इस्तेमाल किया गया है। तो वेल, अभी मैं आपको यहाँ छोड़ती हूँ और आप भी मुझे छोड़िए इस कुल्फी के साथ। यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिए स्वाद हरियाणा का। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज के सिर्फ 5 कट्टे डालते हैं और उसमें हमारे को 10 या 12 मण के हिसाब किताब से जो है 1 किले की उपज की पैदावार बढ़ चुकी है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जीरी भी पाया सरताज जिप्सम, दाने तो चमक भी आई है, पैदावार भी ज्यादा, दाने भी ज्यादा निकले ने। जेडी जीरी च नहीं पाया वो जीरी डिग भी गई है, निकली भी घट है। सर, सरताज जिप्सम नेचुरल इम्पोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। ब्रेक के बाद स्वागत है, यू आर वॉचिंग योर फेवरेट शो स्वाद हरियाणा का। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे हैं कि इस सप्ताह हम आ पहुंचे हैं फरीदाबाद, जहां पर हम स्वाद चख रहे हैं हरियाणा का। पहले हमने आलू पूड़ी खाई, उसके बाद हम आगे बढ़े, उसके बाद हमने थाली जो स्पेशल थाली थी उसका स्वाद चखा, लेकिन अब हम यहाँ आ पहुँचे हैं बिल्लू लस्सी कॉर्नर पर, जहाँ पर मैंने सुना है कि यहाँ की जो लस्सी है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वैसे कहते हैं दूध दही का खाना ये प्रदेश हमारा हरियाणा, और यहाँ पर हम दूध दही खाने के लिए पहुँच गए हैं। वैसे अगर आप फरीदाबाद में एंटर करते हैं तो आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर लस्सी आप पी सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि ये दुकान जो है काफ़ी लंबे समय से चल रही है। आखिर क्या कुछ वजह है, क्यों आखिर लोग इसे पसंद करते हैं, ये तो अंदर चलकर ही पता चलेगा। तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं कि कैसी लस्सी जो है वो आखिर क्यों फेमस है और क्यों लोग इतना यहाँ पर लस्सी पीने के लिए पहुँचते हैं। काम तो दोस्तों, बिल्लू लस्सी कॉर्नर के दुकान के अंदर मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने काफ़ी भीड़ भी देखी, लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पहुँच रहे हैं लस्सी पीने के लिए। वैसे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप फरीदाबाद में पहुँचते हैं और अगर आप हरियाणा का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको लस्सी काफ़ी अलग अलग जगहों पर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ की कुछ खास बात है। आखिर क्या कुछ वजह है वो हम ओनर से जानते हैं। हेलो, आपका नाम? मेरा नाम सतपाल सिंह है। सतपाल सिंह जी, और काफ़ी नाम सुना है मैंने आपके इस दुकान का, काफ़ी मशहूर है आपकी लस्सी, क्या वजह है? प्योरिटी,
मेन चीज सबसे होती है कि प्योरिटी क्या हम सर्व कर रहे हैं। ये हमारी बहुत पुरानी दुकान है। अच्छा। मेरे पेरेंटल फादर सबके तो वो नहीं रहे, लेकिन हम संभालते हैं। मेन ही मोटिव है कि जो चीज़ दे रही है कस्टमर को, सबसे चीज़ फर्स्ट की वो प्योर होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि हमारी अपनी जैसे भी अपना गांव में जो भी मिल्क प्रोडक्ट मिल्क आता है वो सारा हमारे यहाँ से अपना ही होता है जी। उसी की हम जो चीज़ बनाते हैं तो स्पेशल ही होती है। अच्छा। तो उसमें हमारा जो प्यार मिला हुआ है। तो कितने साल हो गए इस दुकान को? अराउंड 40 ईयर्स। 40 ईयर्स, तो 40 साल से कौन पहले आपके पापा जी चला रहे थे? फिर उसके बाद छोटा सा कोका होता था। अच्छा। जब वो पाकिस्तान से आए थे सारे लोग। अच्छा। छोटी सी दुकान मिली थी, वहाँ चाय का काम होता था। स्टार्टिंग हमारी चाय से ही हुई थी। अच्छा। वो आज भी हम बनाते हैं, चाय भी बनाते हैं। भी हम बनाते हैं, चाय हमारी स्पेशलिटी है। मतलब जहाँ से आदमी स्टार्ट करता है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। चाय, फिर लस्सी, जो मेन चीज है हमारी वो लस्सी है। तो जब पापा जी जब चलाते थे इस दुकान को तब चाय बनती थी और लस्सी नहीं बनती थी? बिल्कुल, स्टार्टिंग में स्टार्ट हमारी चाय से ही था। चाय से स्टार्टिंग था। तो पापा होता ही नहीं था उस टाइम, कहाँ पैसा कुछ भी नहीं था। अच्छा। एक स्टार्टअप था कि भाई वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो कैसे सर्वाइव करेंगे, तो स्टार्ट वहाँ से हुआ। फिर उन्होंने हमें पढ़ाया, जो भी किया, फिर हमने उसको आगे किया। तो आपका इंटरेस्ट कैसे रहा कि पापा का जो बिजनेस चल रहा है उसे आगे बढ़ाना चाहिए? कस्टमर सर्विस, सेवा लोगों की। फिर हमारा जो काम है वो एक आदमी कर भी नहीं सकता है, लॉन्ग ड्यूटी है। सुबह 6 AM मॉर्निंग में शॉप खुल जाती है, 10 बजे तक रात को बैठना पड़ता है। तो पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, उस वजह से मुझे उनके साथ आना पड़ा। अच्छा। उनके बाद चले गए तो उसका बड़ा दुख है हमें, उनके आशीर्वाद के सारे ही हम यहाँ पर। बिल्कुल, बड़ों का आशीर्वाद रहता है तो काफी आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं वो खुलते रहते हैं। लस्सी पिलाऊं पहले? चलिए, लस्सी हम जरूर ट्राई करेंगे। लेकिन जानना ये चाहूंगी कि अब जो आगे फैमिली का आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो क्या आगे जो आपके चिल्ड्रंस है, जो सन या डॉटर है, वो भी इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं? अभी तो बच्चे मेरे छोटे हैं। अच्छा। एक बेटा मेरे साथ ही है, बड़ा वाला बेटा मेरे साथ ही होता है। अच्छा अच्छा। तो हम दोनों ही मिलके करते हैं अभी। अच्छा। मैं लॉन्ग ड्यूटी में तो एक पर्सन बैठ भी नहीं सकता, हाफ टाइम को हाफ टाइम में ऐसे कैसे भी कहीं आना है जाना है, समाज है, दुख है, सुख है, सब कुछ संभालना है। काम हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है भाई, हमें काम अच्छे से करें। तो लोगों का क्या फीडबैक रहता है यहाँ पर जो आते हैं, जो लस्सी ट्राई करते हैं? मेरे यहाँ की लस्सी बहुत दूर दूर से लोग पीने के लिए आते हैं। दिल्ली से, नोएडा से, गाजियाबाद, मतलब जो फिजाबाद आता है उसको पता है कि मैंने वहाँ लस्सी पी ली है। वाकई, और मैंने भी काफी नाम सुना था इसीलिए भी मैं आई। दोस्तों आप भी देख सकते हैं लस्सी का ये ग्लास मेरे हाथ में है, काफ़ी अच्छा इसे सजाया भी गया है। क्वालिटी की अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे नज़र आ रही है। वेल, टेस्ट कैसा वो मैं पीकर देखूंगी, लेकिन प्राइस क्या रखा है आपने इस लस्सी का? प्राइस 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ काफ़ी रिजनेबल प्राइस है। 30 रुपीज़, आप अगर यहाँ पर आते हैं आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वेल, इसका टेस्ट कैसा है वो मैं चखती हूँ। वाकई बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा टेस्ट है। क्वालिटी की बात की जाए, क्वांटिटी की बात की जाए, माइंड ब्लोइंग टेस्ट। आप अगर यहाँ आते हैं बिल्लू जी के जो लस्सी का ग्लास है वो ज़रूर लें। 30 रुपीज़ का अवेलेबल है, आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, इसका टेस्ट ज़रूर लें। वाकई बहुत अच्छा टेस्ट लगा मुझे, और आपका बिहेवियर जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हंसते हंसते सबका जवाब देना और इतने अच्छे से ग्रीट करना, वाकई बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं, बहुत अच्छी सर्विस भी आपकी बहुत अच्छी है, क्वालिटी क्वांटिटी बहुत अच्छा है। हम भी यही कोशिश करेंगे, हम भी यही दुआ करेंगे कि आपका बिजनेस इसी तरीके से रन होता रहे। तो चलिए दोस्तों, ये ग्लास मैं ट्राई करती हूँ, लस्सी का ग्लास जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। अगर आप यहाँ फरीदाबाद पहुँचते हैं आप यहाँ की लस्सी ज़रूर ट्राई करें। वेल, आज इस हफ्ते के लिए स्वाद हरियाणा में बस इतना ही, लेकिन अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे हरियाणा के एक नए शहर के साथ, किसी और जायकेदार खाने के साथ। तब तक के लिए यू टेक केयर, बाय बाय।
बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। बिना रुके, बिना थके, हरियाणा न्यूज़।